रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो जैसे कि मनीष जी ने बोला कि मुझे एक ऐसा मैप को बनाना है जो सबसे पहले तो फोल्डर बनाए, एक 2020 का फोल्डर बनाए मेरे ड्राइव में। तो इसके लिए लिखेंगे हम, पहले तो हम ईयर निकालेंगे, वाई इक्वल टू ईयर, और ईयर में मैं यहाँ पे डेट डालूँगा, ठीक है। फिर एम के डी आई आर, और मान लीजिए मैं ई ड्राइव के अंदर 2022 का फोल्डर बना दिया, बन गया सर। जी अब मुझे इसके अंदर 12 फोल्डर बनाने हैं, ये बोले ना सर। तो अब 4i इक्वल टू, मैंने बताया था लास्ट क्लास में चीज कि एक से वन टू लेके ट्वेल्व ट्वेल्व चलेगा, चलेगा ना सर। नेक्स्ट आई, अब मुझे यहाँ पे सेम कोड जो दिख रहा है आपको, सेम कोड लूंगा। 22 के जगह पे मैंने वाई दे दिया, एन परसेंट में वाई। अब यहाँ आएगा Recording आपका stopped. एम के डी आई आर, और यहाँ पे ई ड्राइव के अंदर एन परसेंट। आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं? ये आप शेयर करेंगे ना सर यूट्यूब से? आप रिकॉर्ड कर लीजिए ना। क्यों यादव जी, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर लीजिए, स्टार्ट कर लीजिए रिकॉर्डिंग। ठीक है सर। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, पर पता नहीं कब करूंगा, याद रहेगी नहीं रहेगी, भूल गया, सर मैं डिलीट हो नेट ही गया। नहीं मान लीजिए मैं चलाऊंगा। रिकॉर्ड कर रहा हूँ यहाँ पे, मेरा रिकॉर्डिंग सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, डिलीट हो गया, तब क्या करूँगा? समझ सकते हो? आज तक तो रिकॉर्डिंग कभी इन आप प्रोग्रेस। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मंथ नेम, सेम पर कंसेप्ट है जो मैंने आपको बताया था, लेकिन आप लोगों ने उसको यूज नहीं कर पाया। इसमें क्या होगा कि हमने जो ये मेथड लगाया है, सेम मेथड लगाया ना सर, ये देखिए ये तो समझ में आ गया सर। 12 फाइल बन जाएगा क्या? हमने सेम मेथड ये सर। लगाया था, 12 फाइल बनाने के लिए यहाँ पे 12 फोल्डर बन जाएगा। जब भी एक हाँ फोल्डर बनेगा, उसी फोल्डर के अंदर में मुझे उस फाइल का, उस मंथ का उतने शीट्स वर्कबुक बनाने, राइट? तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना है कि इसका कितने नंबर ऑफ डेज है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जी डी इक्वल टू, हम देंगे एप्लीकेशन। डेट सीरीज, नहीं पहले डेट सीरीज सीरियल निकालेंगे ना, डेट सीरियल, ओके हाँ डेट सीरीज आई सर। डेट सीरियल, और यहाँ पे देंगे हम आई, नहीं 2000, वाई होगा, वाई दो होगा हजार ईयर, बाईस हाँ और क्योंकि 2022 को मैंने यहाँ कैलकुलेट किया हुआ ना, आई मंथ और वन नंबर डे। हाँ फिर हम डी इक्वल टू ओके देंगे डे, और डे के अंदर में देंगे एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन, बिल्कुल सेम वही है जो कि मैंने बताया था। अब मनीष जी, अगर इस तरह से आप रिकनाइज नहीं करेंगे तो हाँ दिक्कत हो जाएगा। ओ मंथ क्या, डी इक्वल टू डी जीरो, ये आ जीरो गया 31। अब मुझे यहां पे देना है कि 4j इक्वल टू चले 1 to d, क्या हाँ सर? जी नेक्स्ट आई, नेक्स्ट जे होगा, नेक्स्ट जे, और इसके अंदर हम क्या कैलकुलेट करेंगे, वर्कबुक बनाएंगे ना, वर्क बुक्स डॉट एच डॉट ऐड, और ऐड करने के बाद सेवेज सेव एज कर देना है, और सेव एज कहाँ करना है, इस लोकेशन में जो दिख रहा है, जो फोल्डर बना है इस लोकेशन में। नाम क्या होना चाहिए, डेट के हिसाब से, ठीक है। अब यहां पे ये जो हमने यहाँ पे डेट सीरियल लिया हुआ है ना, इसी को लेंगे, लेकिन फॉर्मेट के अंदर, फॉर्मेट फॉर्मूला ही बताया था आपको मैंने, फॉर्मेट के अंदर में हमारा डेट होगा, अब यहाँ पे हो जाएगा वन के जगह पे जे, और यहाँ पे डी डी स्लैश एम 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 स्लैश वाई वाई, बताया था ना फॉर्मेट फॉर्मूला, याद है? हाँ सर और एन डॉट एक्सलेस एक्स,
ऐसा क्यों फॉर्मेट क्यों लिया? क्योंकि डेट सीरियल में वाई हो गया, वाई ईयर आ जाएगा, आई से आपका मंथ आ जाएगा, जिस मंथ का फाइल बन हाँ रहा है। ओके और जे आपका डेट आ जाएगा। डेट समझे? और ए जो जी आपका, ए आपका डे फाइल का नाम बनाएगा, जो कि वाई ले लिया, आई से मंथ ले लेगा, जे जो है डे दे देगा, 1 2 3 4। लेकिन प्रॉब्लम है कि डेट से ये डायरेक्ट नहीं लगा सकते, क्योंकि ये डेट जो देगा स्लैश करके देगा, इस तरह का स्लैश, और फाइल नेम में कभी भी स्लैश एक्सेप्ट नहीं करता है, इसलिए फॉर्मेट दे के मुझे DDMMI करना था। और लास्ट में हमें फाइल को क्लोज करना होगा, नहीं तो क्या होगा, 365 फाइल खुले रह जाएंगे, फिर बोलेंगे सर बड़ा हैंग होता है पीसी मेरा। क्या सर हो गया? हाँ राइट इसको रन करेंगे तो क्या करेगा, 365। आप इसमें बताइए कि इसमें क्या चीज आपको नहीं आता था मनीष जी, और आप बताइए कोई ऐसा चीज है जो आपको नहीं आता था, कुछ नया सर बताया मैंने मुझे एक इसमें। नहीं वो आपने वही बताया। मैं एक्चुअली मैं ये जो आपने जो डी को ऊपर जो दो डिफाइन किया ना वो थोड़ा नहीं कर पाया मैं। ये चीज तो मैं लास्ट क्लास में बताया था ना आपको, मैंने ये चीज तो लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, यो अभी मंथ जो तो पहले लास्ट वाले क्लास, में लास्ट क्लास में आप डिफाइन किया था ना मैंने, कुछ नया तो नहीं है इसमें। करेक्ट इसमें जो पहला सर डी इक्वल टू डिफाइन किया तो सिस्टम क्या कैलकुलेट कर रहा है पहला उसका। देखिए सुनिए, हम इस तरह की वेरिएबल लगा सकते हैं, बशर्ते आपके माइक्रो के सबसे ऊपर में ऑप्शन होकर के होता है ना, ऑप्शन एक्सप्लोडेड करके होता है ना, क्या नाम है होता है, इस तरह कुछ होगा वो, अगर नहीं है जी तो डिफाइन नहीं करने की, अगर उसको डिलीट कर देते हैं तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट एक्सेल अच्छा आपका वेरिएंट ले लेता है। क्लियर है ना सर? तो इसने वाई पे हमने ईयर निकाल लिया, जिस साल का बनाना है, अगर कोई फिक्स ईयर है तो कोई दिक्कत ही, तो डिफाइन करने की जरूरत नहीं, जहां जहां वाई दिए वो फिक्स ईयर दे दी। लेकिन आप चाहते हैं करेंट ईयर का बने या प्रीवियस ईयर का बने, तो आप प्रीवियस के लिए -1 कर सकते हैं। सर यहाँ करेक्ट यहाँ तो फिर सर एक्सेल में वहां पे जाके रेंज का भी दे सकते हैं ना इनपुट वो बाद में भी कर सकते हैं मतलब। हाँ समझ में तो आ गया। मतलब कि नहीं समझ गए, देखिए जब भी वीवीए प्रोग्रामिंग बनाइए तो मोस्टली चीजें कोड के अंदर डालिए, एक लास्ट ऑप्शन होना चाहिए कि एक्सेल के किसी सेल से उठा ले। क्यों? क्योंकि एक्सेल के अच्छा किसी सेल्स पे उस समय डेटा होगा या नहीं होगा गारंटी थोड़ी है, और आपके पास फाउंडेशन हो जाएगी ना कि एक्सेल पे डेटा होना ही चाहिए, करेक्ट सर तो लास्ट ऑप्शन होता है। देखिए हमने यहीं पे डिफाइन कर दिया है कि भाई मुझे करेंट ईयर या प्रीवियस ईयर का चाहिए। आप बोले कि नहीं मैं किसी भी ईयर का बना सकता हूँ, तो यहाँ हम इनपुट बॉक्स दे देंगे। इनपुट बॉक्स क्या, जी उसके वो बाद इनपुट इसने, बॉक्स सही रहेगा। हाँ करेक्ट हाँ सर इनपुट बॉक्स दे देगा। इसके बाद यहाँ पे मेक डायरेक्टरी का से उसने उस ईयर का फोल्डर बना दिया पहले, उसके बाद लूप चलेगा 1 से लेके 12 तक, और जिस इसके 12 तक प्रॉब्लम है कि जिस महीने में बनाना, हर महीने का फाइल अलग, डेट अलग अलग होता है, तो हमने डी से सीरियल सीरियल डेट सीरियल का फॉर्मूला जो कि लास्ट टाइम बताया था, वो एक डेट, वो एक तारीख का डेट बना देगा, और फिर एक तारीख के डेट से ईओ मंथ से लास्ट डेट निकाल के उसका डे निकाल के नंबर ऑफ डेज पता कर लेगा। अब नंबर ऑफ डेज पता चल गया, ठीक है ना, फिर वो क्या करेगा, उस महीने का क्या निकाल बनाएगा, फोल्डर बनाएगा। दिख रहा फोल्डर है? बनाएगा। अब फोल्डर में आप 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर से बनाना चाहते हैं तो मंथ नेम देने की जरूरत नहीं, बट जैन फेब मार्च या जनवरी को भी मार्च बनाना है तो मंथ नेम देना पड़ेगा, ठीक है, ताकि 1 2 3 को कन्वर्ट कर देगा। I 1 2 3 देना है ना आपको सर? करेक्ट सर अगर 1 2 3 देना है तो एंड के बाद आई लिख लेना। करेक्ट जी यहां लिखेंगे तो फिर यहां भी लिखना पड़ेगा, तो पाथ दो सेम होना चाहिए ना दोनों का। यस यस उसके बाद 4 1 2 D हम लगाए ताकि उतने फाइल हम बना सके। ठीक है सर डन डन। उसके बाद एक एक फाइल को ऐड किए और यहाँ पे उसको हम नेम दे दिए, नेम से सेव किए और फाइल को क्लोज कर दिए।
अब इस फाइल के अंदर ही मान लीजिए मुझे कुछ शीट्स ऐड करने हैं, कुछ डेटा ऐड करना है, तो फिर यहाँ पे एक और लूप लगेगा, समझे? तो वही चीज है कि आप देखिए मैथमेटिक की तरह कीजिए, जैसे मैथमेटिक में आपके टीचर आपको एक मेथड समझा देते थे पहले, मेथड के बाद क्या समझाते थे, एक दो एग्जाम्पल, और फिर क्या होता करेक्ट था, क्वेश्चंस आपको कई सारे कोई एक्सरसाइजेस मिलते थे, इसको कई सारे क्वेश्चंस मिलते थे आपको बनाने होते थे, राइट? अब आपको कोई भी टीचर सारे एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस बना के तो नहीं देता था ना। अगर मान लीजिए टीचर ने करेक्ट सारे करेक्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन बना दिए आपके, इसका मतलब है कि आपको समझ में नहीं आया, दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि आगे चल के एग्जाम में, या फिर आपके साथ एग्जाम नहीं है, देखिए आपके साथ तो है रियल लाइफ है एग्जाम, रियल लाइफ में जब प्रॉब्लम आएगी तो हर प्रॉब्लम को के लिए आपको सोल्यूशन किसी से मांगना पड़े, तो फिर सीखने का क्या फायदा होगा? करेक्ट सर क्योंकि जो चीजें मैंने बताई है, जो अभी करके दिखाया, इसमें ऐसा कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं आता है, सब आपको आता था, बट आप इसको यूटिलाइज नहीं कर पाए। यूटिलाइज ना करने के पास रीजन ये है कि आपने शुरुआत किया, एक दो बार, एक दो बार कोड लिखा, आपसे नहीं हुआ आपने उसको छोड़ दिया, आपने ये किया ना सर। करेक्ट सर लेकिन ये चीज नहीं है, ये वीवीए प्रोग्रामिंग या कोई भी प्रोग्रामिंग आपको वही कर पाता है जो जिद्दी होता है। इसको ये मत समझिए कि आप प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, दिस इज द रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एक आविष्कार हो रहा है, समझ रहे हैं? पहले जो नए नए केमिकल और जो नए नए तत्वों की खोज हुई थी, उन्होंने क्या किया था, कुछ कुछ डालते थे, उससे कुछ निकलता था, उसका रिजल्ट देखते थे, फिर कुछ डालते थे, कुछ रिजल्ट निकलता था, और जब उनको लगता था कुछ नया चीज निकला, इसमें उन्होंने एक चीज का आविष्कार कर दिया। उसी तरीके से आप कई सारे कोड को डालो, रिजल्ट देखो, अच्छा नहीं हुआ, अब इसको इसको ऐसे डाल के देखते हैं, हुआ नहीं हुआ, कुछ और डाल के देखते हैं, नहीं हुआ, तो एक तरह से रिसर्च होता है, एक तरह से, समझे? जी तो आप जो है, आप अगर जिद्दी नहीं बनिएगा तो नहीं सीखिएगा। करेक्ट सर आप ये समझिए कि अगर आप 100 बार ट्राई करेंगे तो 5 बार ही आपका कोड सक्सेस जाएगा, 95 बार कोड में एरर आएगा। अब 95 बार जब एरर आएगा तब नई चीज सीखेंगे, अच्छा ये चीज यहाँ पे नहीं लगाना चाहिए, इससे एरर आए, तो इसका मतलब 95 चीजों ने आपने सीखा। अब सोचिए कि आप 5 बार ट्राई करेंगे, 5 बार कोड सक्सेस हो गया, तो 95 बार जो चीजें सीखनी थी उतना ही सीख पाया, समझ गए? करेक्ट सर और यही चीज आपको आगे चल के आपके ऑफिशियल लाइफ में सपोर्ट करेगा। ठीक है, यस यस सर चलिए, तो मैंने कोड भेज दिया है, इसको ट्राई कर लीजिएगा, आगे बढ़े रेंज।